हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आप देख सकते हो, 5 अगस्त को आपका सीपेट की रिजल्ट निकल चुका है एंड हमारे पास कुछ जो है रिजल्ट है, ठीक है ना। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और यहाँ पे क्लास ये जो है ना, इस टॉपिक लेके आने की ये मकसद है कि यदि आप लोग इन लोगों से कंटेक्ट करना चाहते हो, मतलब कि उनकी जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, किस वजह से जो है इस लोग, जैसे आप देख सकते हो ये है मामाली सेना, ठीक है ना। उन्होंने मुझसे जनवरी फरवरी महीने में शायद उन्होंने जुड़े थे, तो आप देख सकते हो जुलोजी के अंदर उनका रैंक 10 है, लेकिन जो लाइफ साइंस एनिमल साइंस होता है वहाँ पे उन्होंने रैंक 1 लेके आई है एंड लाइफ साइंस जुलोजी में रैंक 5 उनका है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाई किए हैं, आपने कम्युनिटी टैब में भी देखे होंगे। तो चीज़ें होता है कि हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किए थे, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम टफ था। रियली एग्ज़ाम टफ था, क्यों नहीं, टफ क्यों था, क्योंकि चीज़ें जो था डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो था, जैसे फिश फिशरी हो गया या इकोनॉमिक जूलॉजी हो गया, एनिमल बिहेवियर वाला जो हिस्सा हो गया, इस बार वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ गया था, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज जो होता है बच्चे की जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, वो जो चीजें था वो थोड़े बहुत चीजें था। और आपने कभी कैसे ये जो चीजें फेल्यूर को ग्राप करते हुए हम सक्सेस की तरफ चलेंगे एंड एडस्टार्ट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो। और यूट्यूब में भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब में भी पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ उनका भी जो है मैसेज आया है, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे डायरेक्टली एडस्टार्ट के साथ जुड़ गए थे उनका फोटो वगैरह तो हमको आसानी से मिल रहा है, तो क्योंकि हम एडमिशन के टाइम पे वो चीज़ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जितने बच्चे के हम देखेंगे, ये आपने मामाली सिन्हा देख सकते हो, ये है आयुषी, ठीक है ना। आयुषी उनका रैंक 14 है जूलॉजी के अंदर, और बाकी जो है ना उन्होंने दिए थे वो मुझे पता नहीं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो देवलक्ष्मी, उनका रैंक 18 है एंड रैंक लाइफ साइंस के अंदर 10 है। फिर रैंक मतलब ये लाइफ साइंस है आप बोलोगे, ठीक है ना, अलग अलग आपको फील्ड में एग्जाम देना होता है। फिर रैंक 11 जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है, आप जैसे देख सकते हो लिपिका की है, फिर प्रभात की है। फिर हम बात करेंगे क्या, आप यहाँ पे देखिए अशोक, ये हमारे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है, देवलक्ष्मी एंड अशोक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आशीष पंडा है, फिर रश्मिता दास है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो चीजें, निहारिका पंडा है एंड मधुस्मिता, ठीक है। अच्छा, तो जो उनके सारे रैंक सरोजिन, फिर निहार, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे यस्मिन है, सत्यनारायण है, ठीक है, स्मृति रंजन है, लिप्सा है। तो ये सारे जो चीजें हैं मैंने आपको बताई थी। चीजें ये होता है कि किस तरीके से उन लोगों का, यदि आप कमेंट में बताओगे कि उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, ठीक है, सिर्फ कोई चीजें पढ़ने के बाद तो नहीं होगा, उसके बाद एग्जाम की जो थ्योरी एग्जाम कुछ अलग चीजें रहता है एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मांग कुछ अलग होता है। क्योंकि आपको एक तो है टाइम बाउंड के अंदर 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चंस करनी है, ठीक है ना। ये चीज होता है ज्यादा मांग, मान लीजिए वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 4 घंटे के लिए दे देंगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो वही चीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको करनी है, उसके बाद रैंक लानी है एंड, ठीक है ना। तो वो चीजें उन्होंने कैसे किए एंड कैसे, आप जैसे देख सकते हो जो मामाली थे उन्होंने रैंक 10 में, ठीक है, जूलॉजी की बात करेंगे तो क्योंकि उन्होंने तो लाइफ साइंस एनिमल साइंस के अंदर तो 1 रैंक लाए, तो किस तरीके से उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। जितने भी बच्चे यदि आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उनकी वीडियो लाऊंगी, उनके साथ साथ आपकी जो भी क्वेश्चंस है इस कमेंट में बताइए, मैं उनसे वही क्वेश्चंस पूछूंगी। क्योंकि मैंने सोचा कि उनकी डायरेक्ट उनको ले आऊंगी, क्योंकि आप लोगों के सवाल जो है, ठीक है ना, हम लाइव क्लासेस के अंदर वो चीजें करेंगे। आपके जो भी सवाल है आप आज से उसको लिखिए और उनको पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, और नहीं तो कमेंट में बताइए, मैं उनसे पूछ लूंगी, ठीक है। जब भी उन्होंने लाइव पर आएंगे क्लासेस यूट्यूब के अंदर तो हम बात कर लेंगे। अभी बात आता है कि यदि आप फिर भी 1 साल ड्रॉप लेने के लिए चाहते हो, यदि आपको एम है कि हाँ मुझे एमएससी करनी है तो करें तो क्या करें। दो तरीके की चीजें आता है, या तो आप इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ के कर सकते हो, नहीं तो फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सेल्फ प्रिपरेशन की बात भी आप कर सकते हो। दो चीज आता है, एक तो होता है एनसीईआरटी रहा,
ठीक है। दूसरा होता है लाइफ साइंस की जो बुक आता है, लाइफ साइंस की बुक आता है वहां से प्रिपरेशन। कुछ बच्चे बोलते हैं सिर्फ एनसीईआरटी, नहीं सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए और उस बच्चे से भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चंस के साथ डील करनी है। आपने कितने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करेगा जब तक आपने क्वेश्चंस नहीं किया है, तो ये चीज आता है ठीक है। अच्छा, यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो सिलेबस की हर एक टॉपिक, ठीक है ना, अभी मतलब कि पिछले टाइम पे क्या हो रहा था, कोर पेपर जितना था हम उससे ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा था। मान लीजिए फिजिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, एनिमल जो इकोनॉमिक जूलर्स था वहां से एक आएगा, इम्यूनोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आ रहा था, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन सारे डिसिप्लिनरी मिल के आ रहा था। इस बार हर एक डिसिप्लिनर से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा था, फिजिक्स से 3 से था ठीक है कुछ। तो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एलोंग विथ योर कोर पेपर, ठीक है ना, लगभग आपके पास 22 पेपर के आसपास हो रहा है, सारे कोर पेपर प्लस डिसिप्लिनरी मिला के सब चीजों को आपको फोकस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिलेबस से आया है लेकिन क्वेश्चन जो है उनका जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से ज्यादा आ गया, बच्चे वहां से ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किए थे। तो इस बार एडस्टार्ट जो प्रोवाइड कर रहा है ये चीज को ध्यान रखते हुए हम चलेंगे। दूसरा चीज होता है हर डे आपको क्लास मिलेगा, क्लास के बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब आप एडमिशन करने के बाद एडस्टार्ट के एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से एक आता है स्टडी मटेरियल सेक्शन, तो वहां पे जाके आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। लाइव क्लासेस हो गया, उसके बाद आपको एक आता है एग्जाम, ठीक है ना, मॉक टेस्ट वाला एक रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी क्लासेस हुआ फिर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, और एक आता है एग्जाम, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि और आप अपने आप कोर्स देख पाओगे हर एक टॉपिक के। मान लीजिए मैं 10 से 20 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, उसके बाद जो बुक जो मेरे पास है उसको मैं प्रोवाइड करूंगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन करनी है। क्योंकि यदि आप अभी 5th सेमेस्टर पर हो, या तो आप 1 ईयर प्लान कर रहे हो ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है ना, प्रिपरेशन करने के लिए कोई चीजों के साथ साथ आप यदि प्लान कर रहे हो, तो हर दिन आपको 5 से 7 बजे ये क्लासेस मिल जाएगा, है ना। कौन सी दिन कौन सी क्लासेस रहेगा वो शेड्यूल किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको क्लास तो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको क्वेश्चंस करनी है, आपको हर दिन 10 से 20 क्वेश्चंस करनी है, बस इतना ही करनी है, लेकिन आपको हर दिन करनी है। 10 से 20 क्वेश्चंस करोगे तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। कुछ बच्चे जो है उनका तो रैंक नहीं आया है, तो उनके लिए क्या है ना, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे जो क्रैश कोर्स चल रहा था, हमारा तो क्रैश कोर्स चल रहा था 1 ईयर नहीं, तो उन्होंने लास्ट टाइम के अंदर उन्होंने जब एडमिशंस ली तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करते हुए चले गए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उनका इतना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए चीजें ऐसे हुआ। तो यदि आप चाहते हो कि प्रिपरेशन करने के लिए उनको एक लेवल तक लाना है, और दूसरा चीज होता है जो भी हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपकी सेमिस्टर के साथ साथ करेंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए आपने 5th सेमिस्टर पर हो, ठीक है, जो बच्चे तो 1 ईयर के लिए हो तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 5th और 6th सेमेस्टर देने वाले हो, तो हम पहले अभी जो बात स्टार्ट करेंगे 5th सेमेस्टर की एक पेपर और दूसरे, ठीक है ना, और हमारे जो है ना स्टार्टिंग से एक पेपर हम उठाएंगे, फिर वो पेपर खत्म होगा, फिर 5th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के साथ हम डील करेंगे, ताकि आप सेमिस्टर एग्जामिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वही चीज आपको वो सेमिस्टर के लिए भी पढ़नी है, आपको एंट्रेंस के लिए भी पढ़नी है। तो इसलिए दो चीज को ध्यान रखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया है। यदि आप चाहते हो कि एडस्टार्ट के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सारे चीजें जो है वो बच्चे जो है वो उनका खुद का एफर्ट था, इसलिए जितने भी बच्चे आप देख रहे हो ये सारे बच्चे जो है उनका खुद का एफर्ट था, उन्होंने क्लास कंटिन्यूअसली उन्होंने क्लास की है, ठीक है ना, सारे चीजें डील किए, फिर उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने लगाए, तो उसके बाद जो आपके फ्रंट में ये जो है, ये जो रैंक है आप देख सकते हो, ये आपके फ्रंट में इसलिए है, ठीक है, इसलिए आपके फ्रंट में ये रैंक है, ऐसा नहीं है कि। तो अब ये बात आता है कि आप लोगों का रैंक, ठीक है ना, अब कब यहाँ पे कौन आएंगे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के अंदर आप लोगों की फोटो आना चाहिए, चाहे आप खुद से मेहनत करके पढ़ना है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कीजिए,
क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर पर हो, उनके लिए तो एक मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता लग रहा है कि हाँ थर्ड, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रिपरेशन यदि आप कर रहोगे उसके साथ साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक डिरेक्शन मिलेगा, हाँ मुझे ऐसे पढ़नी है, ये चीज करनी है, क्योंकि पढ़ाई ना आप जितने बार करोगे तो आपको तो वोलाटाइल होता है, रिपीटेशंस नहीं होगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर बच्चे हो, तो जो इकोलॉजी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, यदि आपने उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी आपको नया लगने लगेगा, ठीक है। इस बार 24 के क्वेश्चन आप उठा के देखिए, वहां पर के कास्ट स्क्वायर क्वेश्चन प्रॉब्लम था, कास्ट स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के, तो आप क्या कर पाओगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन जो है ना उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको पूरा 2020 से 24 तक जो सीपेट के क्वेश्चन है जूलॉजी वाला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार उसको देख लीजिए। तो यदि आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चे भी किए हैं तो आप भी कर सकते हो। जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है, एक बार ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप भी इस नंबर पे, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है 7894226800। बात रही आपकी चीजें की, ठीक है ना, तो कौन सी चीजें हैं जो फुल सिलेबस हम कवर करेंगे, उसके साथ साथ हर दिन जितना भी क्लास रहेगा नोट्स आपको इमिडिएटली मिल जाएगा, एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड लास्ट टाइम को आपको क्विक रिविजन नोट्स जो है आपको ये मिल जाएगा। एंड ओरिजिनल प्राइस आप जैसे देख सकते हो ये 10,000 है, लेकिन अभी यदि आपने एडमिशन करने लगोगे तो आपको 6,000 में ये मिलेगा, ये डिस्काउंट प्राइस है आपके लिए है, तो आप ये चीजों को परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ के आपके प्रिपरेशन को लेवल को एक लेवल तक लाने के लिए ये है, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन से एक गाइडेंस की जरूरत होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इस गाइडेंस के साथ साथ जब हम कंटिन्यूअसली उसके साथ साथ वो मॉनिटर करेंगे कितना हुआ आपको, हर दिन कितना पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें के साथ साथ हम चलेंगे एक गाइडेंस के साथ साथ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होगा। यदि आप चाहते हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप दिए गए नंबर 7894226802 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा तो आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, अच्छा 7894226802 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू।